तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तो दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसका हम सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान आज अपने 13वें दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर रही है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और बात करने वाले हैं दोस्तों कि शैतान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अक्षय कुमार और अजय देवगन में आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है और आप किस सुपरस्टार की फिल्में ज्यादा देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म शैतान के 13 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया था। और दोस्तों, ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि विकास बहल के डायरेक्शन में बनने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म है शैतान, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के साथ साथ आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोडीवाला नजर आई है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का मात्र 55 करोड़ रुपए का, जिसे कि जियो स्टूडियोज और अजय देवगन फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बताते चले दोस्तों आपको कि गुजराती फिल्म वर्ष की ऑफिशियल रिमेक इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से शानदार रिव्यूज मिलते हुए नजर आए। तो वहीं दोस्तों, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बेहतरीन रेटिंग्स दी। सुपरस्टार अजय देवगन ने जहां एक तरफ एक बार फिर से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, तो वहीं दोस्तों आर माधवन एक बार फिर से विलेनस अवतार में सभी के दिलों में जगह बना चुके हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर हॉरर जेनर में बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग ली। तो वहीं दोस्तों, दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शंस के साथ ही 55 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। अपने पहले हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म ने विदेश में भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया और अपने पहले ही हफ्ते के इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 81 करोड़ रुपए के इंडिया से रहे और 118 करोड़ रुपए के दुनिया भर से रहे। तो वहीं दोस्तों, अपने दूसरे हफ्ते योद्धा से मिलने वाले कॉम्पिटिशन के बावजूद भी इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छे हैं। बता दे चले दोस्तों आपको कि अपने 8वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 12 लाख रुपए की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अपने 9वें दिन 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं दोस्तों, अपने 10वें दिन 10 करोड़ 17 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही। कल दोस्तों, अपने 11वें और 12वें दिन के जो कलेक्शन थे वो भी इस फिल्म के काफी स्ट्रांग रहे और इस फिल्म ने जहां अपने 11वें दिन भी 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच किया, तो वहीं दोस्तों कल अपने 12वें दिन भी इस फिल्म की कलेक्शन 3 करोड़ 5 लाख रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 112 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म शुरुआती 12 दिनों में 162 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। आज की कलेक्शंस के साथ ही दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो तो 168 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तो वहीं दोस्तों, ये फिल्म आज अपने 13वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर भी एक बार फिर से 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई कर रही है। ऐसे में इस फिल्म का टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ रुपए का हो चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 168 करोड़ रुपए कमा चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि जिस स्पीड से शैतान बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के आने तक ये फिल्म 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 220 से 230 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। शैतान दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसके लीड में आपको इन दोनों ही एक्टर्स के अलावा साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी चिल्लर और अलाया फर्नीचर वाला नजर आने वाली है। लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसे की ऑल ओवर इंडिया में 10 अप्रैल को रिलीज किया जाना है। और दोस्तों, ईद के इस बड़े मौके पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के टीजर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिल चुका है। गाने इस फिल्म के ठीक ठाक है, लेकिन अब इस फिल्म के ट्रेलर का ऑडियंस को काफी बेसब्री से इंतजार है, जो कि 26 मार्च को रिलीज होगा। दोस्तों बता दें आपको कि जो रूमर्स निकल कर आ रहे हैं वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म का ट्रेलर 2 मिनट 38 सेकंड का होने वाला है, जो कि धमाकेदार एक्शन से सजा होगा। साथ ही साथ दोस्तों विजुअल्स भी इस ट्रेलर के गजब के होने वाले हैं। टीजर में दोस्तों कुछ खास विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन दोस्तों ट्रेलर में आपको बेहतरीन एक्शन
एक्शन, विजुअल्स और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी तो देखने को मिलेगी ही। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की जो लोकेशन शूट की गई है वो भी काफी गजब की होने वाली है। सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लुक्स और उनका एक्शन फिल्म में धमाकेदार होने वाला है और ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर बॉलीवुड की तरफ से बनने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को अगर ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 55 से 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी और उन सभी हेटर्स की बोलती बंद कर देगी। सुपरस्टार अक्षय कुमार को 2 करोड़ी सुपरस्टार बोलते हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।